सो क्यों रहे हैं, चुप्पी क्यों साधे हैं? प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए कि हमारे गौरव के साथ एक खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर FIR हुआ है तो तुम जेल भी जाओ और जो है देश की पुलिस वो इनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजो। झूठा आरोप लगाते तो क्या होगा? अच्छा झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप है। देश की गौरव कल मेडल ला के दे रहे थे, आप फोटो खिंचवा रहे थे, उन्हें मेडल दे रहे थे, तब ये अच्छा था। आज उनके ऊपर जो बीत रही है उसकी अगर उन्होंने शिकायत कर रही है तो अपराध हो गया। अरे भारत देश, अरे भारत देश, ऐसे भारत के सारे कांग्रेसी खलबला गए हुए, सब पहुंच रहे हैं। कांग्रेसी समर्थन करेंगे भारत की महिलाओं के सम्मान में किसान कांग्रेस मैदान में। मैं किसान की बेटी हूँ, किसानों के हक की लड़ाई भी लड़ती हूँ और ये भी किसान की बेटी है। इनका सम्मान जाएगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। ठीक है, देख रहे मैम, जिसे जो घटना जो कल की हुई है अभी भी, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं, जो समर्थक है, कि सब राजनीति कर रही हैं आप लोग जो है। देखो राजनीति का कोई विषय भी तो हो ना, बहन बेटियों का सम्मान अगर राजनीति तो हम बार बार ये राजनीति करेंगे। अगर बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा राजनीति है तो हम बार बार ये राजनीति करेंगे। अगर किसान का की जो इज्जत बचाना है, किसान के हक को बचाना, तो ये गुस्ताखी हम बार बार करेंगे। हम अगर शाहीन बाग में जो बेटियां बैठी थी, जो औरतें बैठी थी, उनके साथ बदतमीजी करी गई, अगर उनकी शान में भी अगर हमें हमने हमने बोला और उनको गुस्ताखी लग रही है तो हम ये गुस्ताखी भी बार बार करेंगे। हमारे देश के जहाँ पे भी जिस भी वर्ग को, जिस भी जाति को, जिस भी जो लिंग को अगर जरूरत पड़ेगी तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा उन लोगों के लिए तत्पर खड़ी रहे। कह रहे हैं कि जिसे शाहीन बाग में देश विरोधी लोग बैठे थे वैसे यहाँ आप लोग बैठ गए हैं। शाहीन बाग में भी कोई देश विरोधी लोग नहीं बैठे थे, वो भी मेरे देश के लोग थे, वो भी मेरे देश की महिलाएं थी, उनको भी प्रताड़ित किया गया, उनको भी लात गुस्से मारे गए। ठीक है, यहाँ पे भी जो बहन बेटियां बैठी है, ये सिर्फ भारत देश का सम्मान नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का सम्मान है। ये बेटियां सिर्फ इस देश की बेटी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बेटियां। इन्होंने पूरे भारत देश में ही नहीं अभी तो विदेशों में भी नाम कमाया हुआ है। जब ये बेटियां मेडल ला रही थी, बड़े ही शान से मोदी जी ने इनको चाय पे बुलाया, इनके साथ फोटो कराई, तब तो ये कह रही थी विनेश फोगाट मेरी बेटी है। आज वही विनेश फोगाट उनके लिए गले का वो बन गया कि उनसे कुछ इतना दिन से चुप क्यों थे। सवाल तो लोग ये कर रहे हैं ना कि इतने से मलाई सत्ता ही खा रही थी आप लोग, अब दिक्कत हो गया है। देखो ये बहन बेटियां हैं, ये 20 साल से लगभग विनेश फोगाट लगभग इसमें है, गेम में है, 20 साल से है। तो जब इसको जब ऐसे महसूस हुआ कि इसके साथ गलत हरकत की गई है, खुद जो है सांसद एक्सेप्ट करता है इस बात को कि भाई मैंने उसको गले लगाया विनेश फोगाट को, और वो ऐसे महसूस कर रही थी, इसलिए फिर मैंने उसको कहा कि मैं तो तेरे पिता के समान हूँ। कोई भी बहन बेटी तब ऐसे महसूस करती है जब उसको लगता है कि अगला बंदा गलत है, और खुद अगर सांसद इस बात को स्वीकार कर रहा है, फिर भी अगर बीजेपी सरकार चुप है तो क्यों चुप है? इस बात को क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है कि ये बेटी एक राजनीतिक रूप लेके यहाँ पे बैठी है? ये महिलाएं हैं, ये अपने सम्मान को बचाने के लिए, और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इन लोगों ने बोला है कि हमारा तो जो भविष्य है, आज भी ये खिलाड़ी कैसे बैठी है आपको पता है, इनका पूरा जो आगे का सिस्टम, इनका भविष्य खतरे में है, इनकी जान को खतरा है। ठीक है, इनको हर चीज के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी ये महिलाएं क्यों बैठी है, ये लड़कियां क्यों बैठी है? क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो ब्रजभूषण जैसे जो ये बैठे हैं घातक लोग, जो बहु बेटियों की आबरू को आबरू नहीं समझते, उनसे बचाने के लिए जो मासूम बच्चियां हैं, उन्होंने भी बोला है कि जो नाबालिग लड़कियां आ रही हैं गेम्स के अंदर, उनके साथ भी बदतमीजी की जा रही थी, इसलिए हमको ये सब करने की जरूरत पड़ी। तो ये क्यों नहीं समझने चाहते कि मोदी और बीजेपी सरकार या भाजपा सरकार या अमित शाह क्यों नहीं समझना चाहते कि भारत देश की बेटियों का सम्मान को बचाना बहुत अहम है? ये भारत देश का सम्मान है, और सम्मान के ऊपर आघात करने का हक मोदी जी को भी नहीं है, अमित शाह जी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है।